गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएस हिंदा स्कूल। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 13 ओणम पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत देश कैसा है, बहुत बड़ा है, और भारत देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया ही जाता है। और भारत देश में अनेक प्रांत हैं और हर एक प्रांत का एक अपना एक त्यौहार होता है। तो आज हम केरल का प्रमुख और सबसे बड़ा त्यौहार ओणम के बारे में पढ़ेंगे कि ओणम की शुरुआत कैसे हुई, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और इसका आयोजन किस किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, आज इस पाठ के अंतर्गत हम ओणम त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। चिंगम महा केरल वासियों के लिए एक पवित्र महीना होता है, जिसे यहाँ के लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चिंगम महा मलयालम कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना होता है, ठीक है ना बच्चों। चिंगम महा उनका, जैसे हमारे यहाँ पे जो हिंदी महीने होते हैं चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसी प्रकार से केरल वासियों का भी कैलेंडर अलग तरीके का होता है। तो उनका जो चिंगम महीना होता है वह केरल के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ के लोग इस पर्व को किसके रूप में मनाते हैं, नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चिंगम महा मलयालम कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना होता है। जैसे हिंदी महीनों की बात करें तो हमारे जो हिंदी महीने हैं उनमें सबसे पहला महीना होता है चैत्र, और जो अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है उसमें होता है जनवरी। इसी तरीके से जो केरल वासियों का कैलेंडर का जो पहला महीना है वह कौन सा है, चिंगम है। तथा इसकी महत्ता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि केरल राज्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व ओणम इसी महीने में बड़े उत्साह व जोश के साथ मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अगस्त सितंबर माह में पड़ती है। यह कभी अगस्त में आ जाता है तो कभी सितंबर माह में आता है, किसके अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। चिंगम माह से पूर्व कारकिड़ाकम में बरसात का मौसम होता है, जिसमें केरल वासियों विशेषकर गरीब तबके के लोगों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इस दृष्टि से ओणम का आगमन केरल वासियों के जीवन में समृद्धि तथा खुशहाली लाने का प्रतीक है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ओणम किसका प्रतीक है, तो आपका जवाब होगा कि ओणम पर समृद्धि तथा खुशहाली लाने का प्रतीक है। ओणम विशेषकर किसानों का पर्व है। कैसा है ये, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किसानों का पर्व कहा जाता है इसको। ओणम के अवसर पर किसान अपनी पकी हुई फसलों को देखकर फूला नहीं समाता, इसलिए इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल या फसलों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर भी एक ये याद रखने वाली बात है कि ओणम को हार्वेस्ट फेस्टिवल या फसलों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। ओणम पर राजा महावली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। अब नया सवाल आता है कि ओणम पर क्यों मनाया जाता है, तो ओणम पर राजा महावली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। आज भी ऐसी मान्यता है कि ओणम के शुभ अवसर पर राजा महावली स्वयं उपस्थित रहते हैं, इसलिए अपने राजा को खुश करने के लिए केरलवासी इसे हर वर्ष बहुत धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाते हैं। ओणम को त्रुओणम तथा श्रावण महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब एक नया सवाल यहाँ पर आता है कि ओणम के अन्य नाम कौन कौन से हैं, या ओणम को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ओणम को थ्रू ओणम या श्रावण महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक ओणम के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्निवल का आनंद लेने केरल आते हैं, क्योंकि ओणम के अवसर पर कई तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, तो विदेश के लोग भी यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। ओणम कार्निवल 4 से 10 दिनों तक चलता है। कार्निवल का पहला दिन अत्तम व 10वां दिन थ्रू ओणम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओणम के अवसर पर 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में केरल की संस्कृति व
वा सभ्यता को अपने चरमोत्कर्ष पर देखना एक सुखद अनुभव है। तो जो ये जो ये ओणम का पर्व है, ये कितने दिनों तक चलता है बच्चों? यह 10 दिनों तक चलता है। ओणम के अवसर पर विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन, लोक कलाओं तथा लोक नृत्यों की प्रस्तुति और विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। अब ओणम के अवसर पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, लोक कलाओं तथा लोक नृत्य भी होते हैं, जो कि यहाँ की सांस्कृतिक कार्यक्रम या यहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं। ओणम के मुख्य आकर्षणों में से कुछ दर्शनीय आकर्षण हैं: ओणा सद्या, पूबखलम, बल्लमकली नौका प्रतियोगिता, हाथियों का जुलूस इत्यादि। सबसे प्रमुख जो यहाँ का जो आयोजन है वह है नौका प्रतियोगिता। अब पढ़ते हैं ओणा सद्या क्या है। यह है ओणम के अवसर पर परोसे जाने वाला एक बहुव्यंजनीय स्वादिष्ट भोज है। यह एक भोज है, यहाँ पर जैसे कि दावत कह सकते हैं उसको, वो होती है और इसमें बहुत प्रकार के व्यंजन होते हैं जिसे सभी वर्ग के लोग, अमीर या गरीब, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाते हैं। इसमें मुख्यतः चावल का प्रयोग किया जाता है। इसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है तथा जमीन पर बिठाकर खिलाया जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि ओणा सद्या क्या है? एक बहु व्यंजनीय स्वादिष्ट एक भोज होता है। इसको हर तबके के लोग बनाते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उसी प्रकार से उसको बनाता है। और जैसा कि केरल में मुख्यतः जो खाया जाता है वो चावल ही खाया जाता है, तो इसमें भोज जो होता है इसमें चावल को यूज किया जाता है और उसको केले के पत्ते थालियों में ना रखकर केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है और जमीन पर बिठाकर ही इसको खिलाया जाता है। फिर आता है पूबखलम। यदि हम पूबखलम शब्द का अर्थ खोजें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूब व खलम। पूब का अर्थ होता है फूल, फ्लावर, तथा खलम का अर्थ है रंग, अर्थात रंगीन फूलों से बनाए जाने वाली रंगोली। किसका अर्थ हो गया ये? पूव खलम का। ओणम के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जमीन पर रंगीन फूलों की भव्य व सुंदर रंगोली का आयोजन केरल के घर घर में किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों कि पूव खलम क्या है? ओणा सद्या तो एक भोज था, एक प्रकार की दावत थी, और पूब खलम क्या है? रंगोली बनाई जाती है किससे? फूलों से। पहले दिन से लेके 10वें दिन तक रोजाना नई नई रंगोली बनाई जाती है। अब आती है बल्लमकली नौका प्रतियोगिता। बल्लमकली या सर्पमुख वाली नौका प्रतियोगिता ओणम पर्व के मुख्य आकर्षणों में से एक है। जो यहाँ की नौका प्रतियोगिता है, यहाँ का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये। यह देशी विदेशी पर्यटकों में विशेष लोकप्रिय है। इसका आयोजन पंबा नदी पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पंबा नदी पर। वहाँ की एक नदी है, उसका नाम है पंबा, वहाँ इसका आयोजन किया जाता है। बल्लमकली नौका कोई मामूली नौका नहीं होती। यह नौका 100 फीट लंबी होती है तथा इसमें 150 चालकों का दल होता है। ये इतनी बड़ी होती है कि इसमें 150 लोग यानी कि 150 लोग इसको चलाते हैं। विशेष कारीगरों के द्वारा निर्मित ये नौकाएं विशेषतः ओणम पर्व के लिए ही बनाई जाती हैं, स्पेशल इसी पर्व के लिए बनाई जाती हैं और इसी टाइम पर इसका आयोजन होता है इस प्रतियोगिता का। उसके बाद है हाथियों का भव्य जुलूस। केरल राज्य का त्रिशूर शहर, जिसको केरल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। केरल की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है बच्चों? त्रिशूर। ओणम के अवसर पर शाही हाथियों के भव्य समारोह के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है। एक या दो नहीं बल्कि सजे हुए हाथियों के बड़े समूह को देखने का अनुभव अवर्णनीय है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हाथियों को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उनका जुलूस निकाला जाता है, और सजे हुए हाथियों को देखना तो ऐसा लगता है कि उनको देखते ही रहो, उसका वर्णन करना मुश्किल है।
केरल के इस महान पर्व का आनंद तो इसे स्वयं देखकर या इसके रोमांच को महसूस करके तथा इसकी भव्यता को जीकर ही लिया जा सकता है। सिर्फ किताबों में पढ़कर या तस्वीरें देखकर आप इसका आनंद नहीं उठा सकते। केरल के निवासियों के लिए ओडम ना सिर्फ एक महान पर्व है, बल्कि यह पर्व उनका एक विश्वास भी है, जो उनके धर्म, जातिगत मान्यताओं तथा अमूल्य ऐतिहासिक विरासतों से जुड़ा हुआ है। केरल की सांस्कृतिक छाप भी इस पर्व में साफ दृष्टिगोचर होती है। तो कह रहा है कि ये ओणम का जो पर्व है, उनका प्रमुख त्यौहार है, यह उनके जीवन में खुशी और आनंद लेके आता है, और वहाँ की जो उनकी जो धर्म है, उनकी जो मान्यता है, वो उन सबसे ऐतिहासिक जो विरासत है उन सबसे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, आज मैंने आपको ओणम के बारे में बताया। आपको पता चला होगा कि ओणम पर्व कब मनाया जाता है, कौन से महीने में आता है, ये किसके उपलक्ष में मनाया जाता है, ये आदि चीज़ें हैं जो हमने इसमें पढ़ी। आगे हम पढ़ते हैं शब्दार्थ दिए हुए, शब्दार्थ देख लेते हैं। समृद्धि का मतलब होता है अमीरी, पर्यटक, घूमने फिरने वाला, जिसको हम बोलते हैं टूरिस्ट। सभ्यता, शिष्टता। बहुव्यंजनीय, अनेक प्रकार के व्यंजन। विरासत, उत्तराधिकार में मिला धन। हर्षोल्लास, खुशी और उमंग। संस्कृति, संस्कार। चरमोत्कर्ष, चरम बिंदु। आनंद, खुशी। दृष्टिगोचर, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। तो बच्चों, आज ये पाठ मैंने पढ़ाया, आपको ओणम के बारे में पता चल ही गया होगा। तो एक बार इसको पढ़िएगा और समझने की और कोशिश करिएगा। धन्यवाद।